रविवार देर शाम हुई भारी बरसात में नाहन की ग्राम पंचायत सलानी कटोला के गांव चरुवाला से मलबे की चपेट में आने के बाद लापता हुई महिला का शव आज यानी मंगलवार को तीसरे दिन मिला है। महिला का शव पानी में बहकर चरुवाला से हरियाणा के नारायणगढ़ से बरामद किया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से महिला की तलाश बीते तीन दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मौके पर की जा रही थी, लेकिन महिला का शव गांव चरुवाला से करीब 20 किलोमीटर दूर हरियाणा के नारायणगढ़ से बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि महिला मलबे की चपेट में आने के बाद पानी के तेज बहाव में बहकर आगे चली गई थी, जिसका आज यानी मंगलवार को तीसरे दिन शव बरामद किया गया है। खैर, देखिए मौके की रेस्क्यू की तस्वीरें। पंजाब केसरी के लिए नाहन से दिलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।